बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, सेप्टल हेमाटोमा और सेप्टल एप्सिस का, है ना। अगर सेप्टल हेमाटोमा को ड्रेन नहीं किया गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो वहाँ पे जो जो वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हुआ ना, और जो भी डेब्रिस कलेक्ट हुआ, दैट विल ऑर्गेनाइज इनटू द फाइबरस टिश्यू, है ना, एंड इट विल लीड टू द परमानेंट थिकनिंग ऑफ द सेप्टम। ओके, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज दैट कि अगर हम लोग ब्लड ड्रेन वहाँ पे नहीं करते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन सुपरवेन कर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेप्टल एप्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक बार सेप्टल एप्सिस का फॉर्मेशन हो गया तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, उसका कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि देर विल बी नेक्रोसिस ऑफ द कार्टिलेज एंड फाइनली देर विल बी नेजल डिप्रेशन। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेप्टल एप्सिस, सेप्टल एप्सिस फॉर्म होगा तो क्या होगा, कार्टिलेज का नेक्रोसिस होगा, ठीक है, और कार्टिलेज का नेक्रोसिस होगा तो क्या होगा, नेजल डिप्रेशन होगा। वही पॉइंट नंबर वन में लिखा है, डिप्रेशन ऑफ द कार्टिलेज इन द सुप्रा टिप एरिया। और एक बार ये डिप्रेशन हो गया तो फिर क्या होगा ना, राइनोप्लास्टी की जरूरत पड़ जाएगी 2 से 3 महीने के बाद, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट नंबर टू, दैट विल बी सेप्टल परफोरेशन। पॉइंट नंबर थ्री एंड फोर, दैट इज सीएसटी, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस एंड मेनेंजाइटिस। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और मेनेंजाइटिस आजकल नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आजकल जो हम लोग ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं वो बहुत केयरफुली करते हैं, ठीक है।